नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। विजयनगर में हड़नाव नदी में ज्यादा पानी आते ही खोखड़ा गांव का पुल दोनों साइड से बह गया है। वहीं बारिश का पानी ज्यादा आते ही किसानों को भी ज्यादा परेशानी हुई है। राजस्थान के ऊपरी इलाकों में मेघ मेहर की बारिश की वजह से विजयनगर के खोखड़ा गांव के पास से गुजर रही हरनाव नदी में नया पानी आ गया। नदी पर बना निम्न स्तर का पुल पानी में बह गया। केलावा ग्राम पंचायत भवन का उद्घाटन 4 दिन पहले हुआ था। उपरवास में बारिश हुई, घोड़ापुर नदी में बह गई। पंचायत के परिसर में कोर्ट की दीवार भी बह गई। पंचायत के परिसर में बना पानी का 2 टैंक तकरीबन 15 फीट तक दूर चला गया। हड़नाव नदी खोखड़ा और केलावा नदी के स्वामित्व वाली भूमि में आने वाली नई नीर नदी के पानी को नदी में प्रवेश करने से किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। इस वजह से किसानों की हालात अब कंगाल हो गई है। उपरवास में बारिश हुई और हड़नाव नदी में नया पानी आया। इसकी जानकारी अधिकारी को मिलते ही विजयनगर के सभी अधिकारी और पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की और नुकसान का सर्वेक्षण शुरू किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं हर्षद कुमार, आप देख रहे हो एचबीएन न्यूज चैनल। कल उपरवास में ज्यादा बारिश होने की वजह से कई किसानों का नुकसान भी हुआ है और हर जगह रास्ते में भी नुकसान, बहुत सारा नुकसान हो रहा है। शायद आपको कैमरे में तस्वीर में दिखाई दे होगा, यहाँ हम एक खड़े हैं। यहाँ एक गांव पंचायत है, इसके सामने यहाँ पानी की टैंक बनाए रखी थी, वो भी बारिश का ज़्यादा पानी आने से वजह से यहाँ से करीब तकरीबन हट के दूर चली गई। वो हमारे साथ यहाँ गांव के जो सरपंच है यहाँ मौजूद है। यहाँ कई प्रकार का नुकसान हुआ है, शायद हमको इसको बातचीत करने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार का नुकसान हुआ है जी? बहन जी, किस प्रकार का नुकसान हुआ है? ये नुकसान तो कल दिन को अचानक ही इतनी भारी बरसात हुई कि हम ग्रामवासियों को भी इतना ऐसा मालूम नहीं था कि इतनी भारी बरसात राजस्थान बॉर्डर पे हुई है। लेकिन जब हरनाम नदी आई तब हमको सबको मालूम पड़ा। तो अचानक हमारे यहाँ नदी में इतना ज़्यादा पानी आने से बहुत सारा नुकसान हुआ है, निर्माणिक कार्यों का भी नुकसान हुआ है, साथ ही साथ खेडूतों को भी फसलों का नुकसान हुआ है और पशुओं का नुकसान हुआ है। इसके लिए हमारे अधिकारीगणों ने, जिन्होंने भी इस को हमने फोटो द्वारा इनको सूचना दी और फोन द्वारा दी, तो तुरंत यहाँ अधिकारीगण हमारे पधारे हैं। इनका मैं इस नुकसान के तहत आप यहाँ पधारे हैं, आपने हमारी सुनवाई की है, आपका पहले तो मैं ग्राम पंचायत की तरफ से आपका अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत आपका आभार मानती हूँ। हमारी इस नुकसानी को आप मद्देनजर रखते हुए हमारे सभी भाइयों और बहनों के जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई की जाए, ऐसी हमारी नम्र आपसे विनंती है। हमें यहाँ जो सरपंच है गांव के, उसके साथ बातचीत करने की कोशिश की और पता चला कि यहाँ जो बाढ़ ज़्यादा आने से वजह से यहाँ बहुत सारा नुकसान हुआ है। उनको गुजारिश है कि उनका जो नुकसान है वो आगे जो है कर्मचारी वो आगे बढ़ाए। हर्षद कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, विजयनगर। हमें विजयनगर तालुका ना केलावा गाम ने अंदर हमारा खोखरा ने कंथारिया ग्राम पंचायत ने बाजू में एक सरकारी आवास ने आ टोको बनाई ली से बिल्कुल नजीक नजीक से 15-15 फूट खचकी जाए से ऊपरना वास में राजस्थान थी पानी आता आ बदी खचकी गए से तो कोई तंत्र अमरु ध्यान लेता नहीं अने आ पंचायत नु पण आ टोका लीधे आ अहीं ना पाड्यु तो बनावा छतां बनाव्यो अने आ टाका नु बनावाथी अमारी पंचायत ने बहु नुकसान पहोंचाड्यु छे। आ तो एना माटे अमे रजूआत करीए छे अने आ केला पंचायत नी अंदर हूँ डिप्यूटी सरपंच तरीके हूँ फरज बजावी रहेल छूं। કેટલા કેટલા દૂર ખસી ગયા છે ટાંકા? આ 15-15 ફૂટ ખસી ગયા છે। શું તંત્ર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલું છે? આ કશું ત્યાં હાથ ધરવામાં આવ્યું નથી। ખોખરા ગામે આવતીકાલે 18-8-2020 રોજ અંદાજ 16 કલાકે ભારે વરસાદ ઉપરવાસમાં થતો, ખોખરા નદીમાં પાણીનું પૂર આવતો, એક પુલ તૂટી ગયેલ છે અને એની બાજુમાં ગ્રામ પંચાયત નવી આવેલ છે તેની બાજુમાં પાણી પુરવઠાના 2 ટોકા ને પણ ક્ષતિગ્રસ્ત થયેલ છે। સાથે જ પંચાયતને પણ એક દિવસ આવી સાહેબ સાહેબ અને સાથે ગ્રામ પંચાયતની નવી ઉદઘાટન 16-8-2020 રોજ કરવામાં આવેલું હતું, જેની એક દિવાલ પણ ક્ષતિગ્રસ્ત થયેલ છે સાહેબ। લોકો ગામ દ્વારા કહેવામાં આવે છે કામગીરી પણ નબળી કહેવામાં કરવામાં આવી છે, તેવી પણ એક સવાલો ઊભા થાય સાહેબ, એ તપાસનો વિષય છે। ઓકે, એકતા કા રાજ ચલેગા, હિન્દુ મુસ્લિમ સાથ ચલેગા।
मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन, मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, प्रभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126, संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।